किसान भाइयों, 2020 में यदि आप गिर गाय पर डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाली है। तो चलिए किसान भाइयों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से कर ले सब्सक्राइब, पास वाली घंटी दबाए और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो चलिए किसान भाइयों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा ही नॉलेज, ज्ञान मिलने वाला है। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि 2016 में गिर गाय की कीमत बहुत कम थी, यानी कि जितने में अपनी मालवी नस्ल की गायें आ रही थी, जितने में हमारी साहिवाल आ रही थी, उसी के आसपास में अपनी गिर गाय की कीमत आ रही थी। पर आज के समय में 2020 गिर गाय की जो कीमत है वो आसमान को छू रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर कहां पर भी जाओगे और बोलोगे कि हमें गिर गाय का डेयरी फार्म शुरू करना है, डेयरी फार्म शुरू करना आप ऐसा ही बोलोगे तो आपको सीधी सी सिंपल बात बोलेंगे कि आप गिर गाय क्यों नहीं लाते, गिर गाय का डेयरी फार्म शुरू करिए, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आपने भी बहुत बार बात सुनी होगी या फिर बहुत बार आपको ये सारी बातें सुनने में आई होगी। तो ऐसा सुनने में क्यों आता है? सबसे पहले कि लोगों के माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि हमें अगर डेयरी फार्म शुरू करना है तो प्रॉफिट चाहिए, तो वो सिर्फ हमें गिर गाय से ही मिलेगा। ऐसी बातें हमारे किसान भाइयों के दिमाग में बैठ चुकी है। वो क्यों बैठी है? क्योंकि सभी जहां पर भी आप जाओगे या फिर जिस तरफ भी आपको जाओगे, वहां पर आपको सिर्फ गिर गाय के डेयरी फार्म मिलेंगे, दूसरी गायों के तो बहुत कम मिलेंगे। अगर आप जिस तरफ भी जाओगे तो आपको सिर्फ गिर गाय के ही डेयरी फार्म मिलेंगे। तो उसी के वजह से हमारे किसान भाइयों के दिमाग में एक ये बात बैठ चुकी है कि हमें अगर डेयरी फार्म शुरू करना है तो हम सिर्फ गिर गाय के डेयरी फार्म ही शुरू करेंगे, इसके अलावा हम दूसरी गायों पर डेयरी फार्मिंग नहीं करेंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि गिर गाय की जो कीमत है वो आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप गिर गाय लेने जाओगे और 15 से 20 लीटर वाली अगर आप एक गिर गाय ढूंढोगे तो आपको 70, 80, 90 और 1 लाख तक भी गायें मिलेगी। गिर नस्ल की गायें अगर आप लेने जाओगे तो आपको 1 लाख तक भी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उनकी कीमत बहुत बढ़ चुकी है आज के समय में, क्योंकि आजकल गिर गाय की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। उसी कारण से हमारी जो गिर गाय हैं उनकी कीमत इतनी हाई रेट पर चली गई है। अब किसान भाइयों, मैं अगर आपको बताऊं कि 2020 में गिर गाय का डेयरी फार्म शुरू करना बहुत ज़्यादा ही एक घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में अगर आप गाय लाओगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि 1,70,000 तक अगर आप एक गाय लाओगे तो बहुत ज़्यादा महंगी गाय मिलेगी। इसके अलावा अगर आप दूसरी गाय ले आइए, जो भी हमारे भारत मूल्य की गाय है, यानी कि हमारी साहिवाल हो गई, मालवी नस्ल की गाय होगी, अपने स्टेट के हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से आपको गाय लानी चाहिए, क्योंकि वो उस राज्य में उतनी सूटेबल रहती है, उनका जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो भी उसी हिसाब से बना रहता है। तो आपको शुरुआत में आपके यहाँ पर ही जो गाय हैं उन्हीं पर डेयरी फार्मिंग शुरू करनी चाहिए, ताकि आपको नॉलेज भी हो जाए और आपके इलाके में आपकी जो गाय हैं, जिस भी आप गायें लाते हो आपके इलाके में, कौन सी भी गाय का, अगर आप हमारे MP में रहते हो तो यहाँ पर मालवी नस्ल की गायें बहुत ज़्यादा सस्ते रेट में तो आपको मिल ही जाएगी, और साथ में वो यहाँ पर इस टेम्परेचर में सूटेबल है, तो आप उन पर भी डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। और उन पर भी बहुत सारे लोग डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं, और मैं आपको वीडियोस के माध्यम से और कवर करके बताऊंगा कि किस तरह लोग मालवी नस्ल की गाय से अच्छा प्रॉफिट उठा रहे हैं, गिर गाय से भी ज़्यादा प्रॉफिट वो मालवी नस्ल की गाय से कर रहे हैं। और वो वीडियो भी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, क्योंकि आज के समय में गिर गाय का ट्रेंड चल चुका है। जो भी भाई बोलेगा उनको सबको गिर ही चाहिए। तो अब हम सभी गायों पर कवर करेंगे, टोटली सिर्फ गिर पर ही नहीं जाएंगे, हम अब धीरे धीरे सभी गायों पर कवर करेंगे। और अगर आप बोलोगे कि आप भी गिर गाय का ही डेयरी फार्म शुरू कर रहे, आपका तो है, तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि हम 2016 में ही गिर गाय ले आते, उस समय गिर गाय की कीमत बहुत कम थी, और अभी के समय में गिर गाय की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अभी के गाय में अगर आप 10 या फिर 20 गाय एक साथ में लाओगे तो आपको कितनी महंगी मिलेगी, ये तो आप खुद ही सोच सकते हो, क्योंकि अभी अगर आप एक गाय भी लाओगे और उसकी कीमत करीबन 50,000 से 60,000 भी रही, तो आप 20 गाय का कितना हो सकता है, आप कैलकुलेशन करिए 20 गाय का कितना हो सकता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको ये बातें सही लगी हो
तो लाइक करके बताना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि और आपने सुझाव बताइए कि क्या गिर गाय ही सर्वश्रेष्ठ गाय हैं। मैं तो ऐसा नहीं मानता और हमारे भारत मूल्य की जितनी भी गाय हैं वो सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, अपनी अपनी जगह पर सभी गायें सर्वश्रेष्ठ हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।